हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आपको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करा रही हूँ। प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर ए है और इसका अभ्यास 9 है। इससे पहले मैं 8 अभ्यास करा चुकी हूँ। इस प्रकार के 16 से 17 सेट हैं, हर एक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं और कुल मिलाकर के 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हैं। दोस्तों, जो आप इतना क्वेश्चंस का प्रिविजन कर लेंगे, जो भी आप थ्योरी सेशन पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, तो उसका आप अपना स्कोर चेक कीजिए। और यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो या पी टेट हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन, हर एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, सभी प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अपना स्कोर चेक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि ओलंपिक मोटो आरटीएस को दर्शाता है। तो ओलंपिक मोटो आरटीएस किसको दर्शाता है? सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, ये ओलंपिक के मोटो हैं, आदर्श वाक्य हैं। सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, यानी और तेज, और ऊंचा, और बलशाली। तो सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, फास्टर, हायर, आरटीएस का मतलब होगा हायर यानी उच्चतर और ऊंचा। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उच्चतर। एक नया शब्द जुड़ा है इसमें, कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ चलना। इसको बनाया कौन था? हेनरी डिडॉन ने। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यह प्रशिक्षक कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट, स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान से संबंधित है। दोस्तों, मनोविज्ञान किससे संबंधित? तो मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार से संबंधित है। यह आत्मा से शुरू हुआ था, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट, वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, पोषण यानी कि पर्यावरण यानी, ठीक है, व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अनुवांशिकता, पर्यावरण यानी पोषण, व्यायाम, ये सभी के सभी आपके वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, दैनिक कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों, दैनिक कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं फिटनेस यानी स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य यानी इसमें कहेंगे फिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो सत्य है कि असत्य? तो सत्य है, मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। जब तक आप अंदर से प्रेरित नहीं होंगे उस कार्य को करने के लिए, तब तक आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है। नेक्स्ट है, एक मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो ये तो वेरी एकदम सत्य है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज से हटकर वो नहीं जी सकता। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा है क्या है? दोस्तों, यह कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति के सिद्धांत को क्या कहते हैं? दोस्तों, जड़त्व का नियम कहते हैं। इन्होंने तीन गति का सिद्धांत दिया है, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो पहले फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया। सेकेंड लॉ को हम कहते हैं त्वरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, और थर्ड लॉ को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्या प्राप्त करने के लिए होती है? दोस्तों, हम क्यों भोजन करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए।
नेक्स्ट है प्री स्कूल के बच्चों को किस आहार की अधिक आवश्यकता होती है। प्री स्कूल के बच्चे यानी स्कूल जाने से पहले बच्चों को किस आहार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उस समय बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपका प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारे ऊतकों हड्डियों मांसपेशियों सबका निर्माण करता है। जैसे कि कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट वसा, शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन, रक्षा करने वाले विटामिन एंड खनिज लवण हैं। नेक्स्ट आराम और गति यह किसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आराम और गति, तो गति जो है आपका बायो मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। आराम और गति ये दोनों कहाँ पे आते हैं, बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी में तो आएंगे नहीं, यहाँ पे आपका बायो मैकेनिक्स में आएंगे। नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के चारों ओर गति को कहते हैं। दोस्तों तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जिसमें सभी प्रकार के गतियां होती है, यह ध्यान में रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वहां पे आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन सर्कमडक्शन हाइपर एक्सटेंशन सभी प्रकार की गतियां होंगी, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों तो यह आपका 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था नई दिल्ली भारत में। तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ था। अब प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब शुरुआत हुआ था, तो 1930 हेमिल्टन कनाडा में शुरुआत हुआ था। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पे हुआ है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। एंड 2026 यानी 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहां पे होगा, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर। नेक्स्ट WHO का पूरा नाम क्या है। दोस्तों इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद करवाए जाते हैं, तो आप सबको पता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है खो खो पोल की लंबाई कितनी होती है, तो ये भी आप सबको पता होगा खो खो पोल की लंबाई जो होती है 120 से 125 सेंटीमीटर यानी कि 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक होता है। नेक्स्ट वॉलीबॉल के मध्य रेखा से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है। दोस्तों तो वॉलीबॉल का मैदान 18×9 मीटर का होता है, इसको अब अटैक सेंटर लाइन से अटैक लाइन की जो दूरी होती है वो 3 मीटर होती है। कितना होता है, 3 मीटर होती है, और अटैक लाइन से इंड लाइन की दूरी 6 मीटर होती है। नेक्स्ट वॉलीबॉल के एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, तो वॉलीबॉल के एक सेट के अंदर 25 पॉइंट होते हैं। यह 5 सेट में खेला जाता है बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर, तो 1 से लेकर 4 सेट आपके 25 पॉइंट के होते हैं। चौथा और पांचवा के बीच में जो होता है पॉइंट वो अंतिम पॉइंट पांचवा पॉइंट आपका 15 पॉइंट का होता है। नेक्स्ट दोस्तों इस ट्रायंगल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र आपका होता है WN-1-10 2π, ठीक है। यह फुल स्ट्रेगर का निकालने का सूत्र है, हाफ स्ट्रेगर का जब पूछेगा तो यही सेम रहेगा, बस यहाँ 2π नहीं रहेगा, 2 हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी दौड़ में स्ट्रेगर का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सी दौड़ में स्ट्रेगर का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर एंड 100 मीटर ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सी दौड़ में स्टैगर का प्रयोग नहीं होता है, तो 100 मीटर दौड़ में स्टैगर का प्रयोग नहीं होता है, सीधी लाइन में आपका होता है, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोला चक्र होते हैं। कितने होते हैं,
पांच गोला चक्र होते हैं। ओलंपिक ध्वज में पांच गोला चक्र होते हैं, वो भी कौन कौन से कलर के? नीला, पीला, काला, हरा, लाल। जिसमें से नीला यूरोप का प्रतीक, पीला एशिया का प्रतीक, काला अफ्रीका का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक, लाल अमेरिका का प्रतीक है। ये पांचों महाद्वीप के प्रतीक हैं जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 400 मीटर की हर्डल दौड़ में कितनी हर्डल्स होती हैं, यानी बाधाएं होती हैं? तो 400 मीटर हो, चाहे 110 मीटर हो, 100 मीटर हो, इन सभी में बाधाएं 10 बाधाएं होती है। कितनी बाधाएं होती हैं? 10 बाधाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रॉस बार का भार कितना होता है? तो यहाँ पे दिया नहीं है कि ऊंची कूद का कि पोल वाल्ट का, तो क्रॉस बार का भार 2 किग्रा होता है, 2 किलोग्राम। अगर ऊंची कूद का आपका पूछेगा तो 2 किलोग्राम, बास कूद यानी पोल वाल्ट का पूछेगा तो 2.25 केजी आपका हो जाएगा बास कूद में। नेक्स्ट दोस्तों, पोल वाल्ट का लैंडिंग क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना होता है? तो पोल वाल्ट यानी बासकूद का जो लैंडिंग क्षेत्र होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका 6x6 मीटर का होता है। ऐसे नॉर्मली आपका 5x5 मीटर का होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछेगा तो 6x6 मीटर। नेक्स्ट, पुरुषों के लिए 60 फुट का भार कितना होता है? 60 फुट यानी गोला फेंक का भार जो होता है पुरुषों के लिए 7.260 किलोग्राम होता है, और महिलाओं के लिए 4 केजी का होता है। ये आपका 60 फुट और हैमर थ्रो दोनों का सेम आपका वेट होता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई 18 मीटर होती है। ठीक है, 18 मीटर होती है, और चौड़ाई कितनी होती है? 9 मीटर। नेक्स्ट, वॉलीबॉल के एंटीने की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो वह 180 मीटर होता है। ठीक है, 1.80 मीटर होता है यानी 180 सेंटीमीटर। उसमें से आपका 1 मीटर आपका नेट में होता है, 80 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ रहता है, जो 10 सेंटीमीटर लाल और सफ़ेद और लाल कलर में होता है। नेक्स्ट है, खो खो के मैदान की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो खो खो के मैदान की लंबाई होती है 27 मीटर और चौड़ाई होती है 16 मीटर। नेक्स्ट है, खो खो के खेल की चौड़ाई कितनी होती है मैदान की? तो 16 मीटर। लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 16 मीटर। नेक्स्ट है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 9 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं। ठीक है, 9 खिलाड़ी और सब्स्टिट्यूट होते हैं। नेक्स्ट, पुरुष के समानांतर यानी कि पैरल बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो यह आपका हाई जिम्नास्टिक का पूछा है, तो जिम्नास्टिक का महिला पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से इवेंट आते हैं इसका मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है। महिला के लिए 4 इवेंट और पुरुष के लिए 6 इवेंट होता है, जिसमें से इसमें आपका पैरल बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.95 मीटर होता है। नेक्स्ट, रिंग के छल्ले जमीन से कितनी ऊंचाई पर लटके रहते हैं? तो जो रिंग होता है आपका वह 2.75 मीटर की ऊंचाई पर लटके रहते हैं, जो जिम्नास्टिक में रिंग होता है। नेक्स्ट, क्षैतिज बार यानी हॉरिजॉन्टल बार जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो जो हॉरिजॉन्टल बार होता है वो जमीन से 2.75 मीटर ऊंचा होता है। हॉरिजॉन्टल बार जैसे कि आप देखे हैं ऐसे होता है, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोला फेंक के सेंटर का कोण कितना होता है? तो 34-92 डिग्री होता है दोस्तों। गोला फेंक हो, हैमर थ्रो हो, डिस्कस थ्रो हो, इन तीनों में सेक्टर का कोण 34-92 होता है डिग्री, एंड जो है जेवलिन थ्रो है उसमें 29 डिग्री होता है, ये ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो सेंटर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं, तो प्रत्येक 5 किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है। जो अल्पाहार केंद्र इसको बोलते हैं, जो अल्पाहार केंद्र पर खिलाड़ी को जल अपने शरीर पर छिड़का जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 110 मीटर में बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो खेल की समय सीमा होती है, तो दोस्तों खो खो खेल की पूरा समय सीमा 48 मिनट होती है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, खो खो खेल में 4 पारी यानी 2 इनिंग्स में खेला जाता है। प्रथम इनिंग्स में 2 पारी और सेकेंड इनिंग्स में 2 पारी, दोनों इनिंग्स के बीच में 6 मिनट का आपका मध्यांतर दिया जाता है, लंच टाइम। इसमें से आपको एक एक पारी 9-9 मिनट के 2 पारी प्रथम इनिंग में होता है और 9-9 मिनट के 2 पारी दूसरे इनिंग में होता है। उसके बीच में जो गैपिंग है, क्वार्टर ब्रेक है, वो 3 मिनट का है और मध्यांतर 6 मिनट, पूरा मिला के 48 मिनट का आपका होता है। नेक्स्ट दोस्तों, हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धाएं होती है, प्रथम दिन 4 और दूसरे दिन 3 स्पर्धाएं होती हैं। ये महिलाओं के लिए होता है, डेकाथलॉन में 10 स्पर्धाएं होती हैं और पुरुषों के लिए होता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है दोस्तों? तो मैदान है, फील्ड है। नेक्स्ट, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी जो होती है वो 20 मीटर होती है। कितना होता है? 20 मीटर होती है एक्सचेंज जोन, जो बेटर एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, भारत में खो खो खेल कहाँ लोकप्रिय है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, यही शुरुआत भी हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो 10 स्पर्धाएं होती हैं, जिसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होता है। यह पुरुषों के लिए होता है, प्रथम दिन 5 और दूसरे दिन 5 इवेंट होता है। नेक्स्ट, VO2 मैक्स में सुधार लाया जाता है, तो VO2 मैक्स यानी VO2 मैक्स का मतलब होता है अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। तो हम VO2 मैक्स में कैसे सुधार ला सकते हैं? तो व्यायाम के द्वारा, प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 98.4 फारेनहाइट, एग्जैक्ट होता है आपका 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। लेकिन ऑप्शन जैसा दिया रहेगा उसके अनुसार आप आंसर देंगे। नेक्स्ट है, किसका उखड़ा जोड़ यानी कि डिसलोकेशन हम देख सकते हैं? तो दोस्तों हम कंधे का डिसलोकेशन देख सकते हैं। किसका? कंधे का हम डिसलोकेशन देख सकते हैं। डिसलोकेशन मतलब अपने स्थान से खिसक करके दूर चले जाना, होता है डिसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है, तो ये 100% राइट है आपका। शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का एक अंग बन गया है, सामान्य शिक्षा की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बात 100% राइट है। स्वस्थ शरीर जब तक आप नहीं रहेगा, आपका नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड ठीक नहीं रहेगा, तनाव में रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस बात को कहे हैं अरस्तु जी ने, बार बार ये परिभाषा पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, शारीरिक विकास ये तो है ही, मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, यानी कि शारीरिक मानसिक सामाजिक यानी संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, यहाँ पे आर्थिक विकास नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, रोगों से मुक्ति होना ही स्वास्थ्य है, तो आम प्रचलित धारणा के अनुसार रोगों से मुक्ति होना ही स्वास्थ्य है, बट नियमता आपको एग्जैक्ट में आपको ध्यान में रखना है कि WHO ने कहा है केवल रोग से मुक्ति होना ही स्वास्थ्य नहीं है।
व्यक्ति को शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, उसी को स्वास्थ्य कहते हैं WHO के अनुसार। नेक्स्ट है, एक सामान्य शरीर में होते हैं तो एक गुर्दा की, दो गुर्दा की, तीन गुर्दा थे। हमारे शरीर में दो गुर्दा यानी दो किडनी होते हैं जो रक्त को फिल्टर करने का और मूत्र निर्माण का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थकावट इसका कारण है। तो हम क्यों थकते हैं दोस्तों, इसका एक ही कारण है, लैक्टिक एसिड। जो भी हम, जब हम कोई दौड़ते या क्रिया करते हैं तो जितना हम क्रिया ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ऊर्जा तुरंत बना नहीं पा रहे हैं, तो उतने के लिए हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऊर्जा खत्म होने लगती है तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमने लगता है, और जो ही हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए रुक जाते हैं तो उस रुकने में के पीरियड में पुनः ऊर्जा बन जाता है, तो पुनः हम पहले वाले स्थिति में आ जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। नेशे प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को देना चाहिए। तो कैसा प्राकृतिक व्यायाम की, प्राकृतिक रूप से बनाया गया व्यायाम की फाइनर मसल व्यायाम की, बिग मसल व्यायाम। तो प्राथमिक पाठशाला के बच्चे को एकदम हाई लेवल का व्यायाम तो कराएंगे नहीं, वो प्राकृतिक रूप से जो बनाया गया व्यायाम है उसको हम कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस बोन यानी कि हड्डी कहाँ पे स्थित होती है, तो यह अपर लिम में हमारे हाथ के ऊपरी बाह में स्थित होती है। नेक्स्ट है, शोल्डर ब्लेड को भी कहते हैं, तो शोल्डर ब्लेड को हम स्केपुला हड्डी भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारा स्केपुला कंधे की स्कंधास्थि है उसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है, छोटी आंत में वसा का अवशोषण कहाँ पे होता है दोस्तों, तो लैक्टियल्स में होता है। छोटी आंत में लैक्टियल्स में वसा का अवशोषण होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है और बी सी और एच जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे सी जो है आपका वसा में घुलनशील नहीं है या जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट, वसा प्राप्त होती है घी से कि रिफाइंड तेल से कि दोनों से, तो ये दोनों से प्राप्त होती है, जिसमें से आपका रिफाइंड तेल नुकसानदायक होता है और घी आपके लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट, कॉलर बोन को यह भी कहते हैं, तो कॉलर बोन को हम क्लेविकल, जो हमारा हसली होता है जो स्टर्नम के प्रथम भाग से जुड़ी होती है कंधे तक, पतली सी गर्दन के नीचे आप देखते होंगे, तो कॉलर बोन को हम क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। नेक्स्ट, बाइसेप्स मसल्स में होती है, तो बाइसेप्स मसल्स कहाँ पे होती है दोस्तों, तो बाइसेप्स मसल्स आपका ऊपरी बाहों में होती है। नेक्स्ट है, डेल्टायर मसल होती है, तो डेल्टायर मसल्स कहाँ पे होती है, तो हमारे कंधे पे होती है डेल्टायर मसल्स, या हमारे लिफ्टर मसल्स भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम करता है, तो तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा दिया रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट सही हो जाएगा, और इस प्रकार से जब दिया है ग्लूकोज एटीपी, ग्लूकोज एटीपी ग्लाइकोजन अमीनो एसिड, इसमें से आपको कौन तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से जा करके हमारे शरीर में टूटता है ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कोशिकीय श्वसन के द्वारा वो ऊर्जा यानी एटीपी में निर्माण होता है। तो इसमें सबसे पहले कौन ऊर्जा देगा, तो जब ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है एटीपी में, वो तुरंत ही ऊर्जा देगा, यहाँ पे एटीपी आपका राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्पाइनल कॉलम में कितने वर्टिब्रा यानी कि बोन होते हैं, तो स्पाइनल कॉलम में
जो रीढ़ की हड्डी होती है कितनी होती है, तो 33 होती है। कितनी होती है, तो 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है, तो ये हमारे छाती में होती है, वक्ष में, जिसको हम थ्रोअर मसल्स भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोअर मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऐसा अंग जो बाइल नामक स्त्राव करता है, तो बाइल जूस यानी पित्तरस का स्त्राव कौन करता है दोस्तों, यकृत करता है। कौन करता है, बाइल जूस यानी पित्तरस का निर्माण भी करता है, स्त्राव भी करता है, यकृत। जाके स्टोर कहाँ भी होता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। और ये बाइल जूस करता क्या है, वसा का पाचन करता है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई को ई के को समस्त शरीर में पहुंचाता है, कोशिकाओं तक। नेक्स्ट, इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से के लैंगरहांस दीपिका के बीटा कोशिका से बनता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, और हमारे रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह में। और इस क्रिया को जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया, जब कम हो जाती है तो हाइपो ग्लाइसेमिया कहते हैं। नेक्स्ट, तेज मसल फाइबर्स होती है, जैसे कि दोस्तों हमारे मसल्स में दो प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर। जो व्हाइट मसल फाइबर होती है वो फास्ट ट्विस्ट यानी जल्दी जल्दी ट्विस्ट होती है, और जो रेड मसल फाइबर होती है वो स्लो ट्विस्ट यानी धीरे धीरे ट्विस्ट होती है। जो तेज मसल व्हाइट मसल फाइबर आपका होता है वह जल्दी जल्दी ट्विस्ट होती है, या अनएरोबिक क्रियाओं, कम समय की क्रियाओं में स्प्रिंट, जैसे स्प्रिंट दौड़ो 100, 200, 400 मीटर दौड़, इसमें काम आता है। और जो रेड मसल फाइबर यानी स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है, धीरे धीरे संकुचित होती है, यह आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेस या लंबे समय की क्रियाओं, एंड्योरेंस वाले खेलों में ज्यादा आपका अच्छा होता है, सहनशीलता वाले में। तो यहाँ पे तेज मसल फाइबर पूछा है तो कौन हो जाएगा दोस्तों, सफेद मसल फाइबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र से प्रतिदिन कितना पानी निष्कासित होता है, तो प्रतिदिन मूत्र से 1500 ml यानी कि 1.5 लीटर पानी निकलता है। नेक्स्ट है, रक्त में प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग भूसे की रंग की तरह का होता है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि आरबीसी का तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुल हवा क्षमता कितनी होती है, तो दोस्तों जैसा कि फेफड़ों की कुल हवा क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वह आपका होता है 5.8 लीटर। कितना होता है, 5.8 लीटर। और जो वाइटल कैपेसिटी होता है, वाइटल कैपेसिटी आपका होता है 4.6 लीटर। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रिसिड्यूल एयर। तो कितना हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी आपका 46 ml है और रिसिड्यूल एयर आपका 1200 ml, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 5800 ml यानी कि 5.8 लीटर आपका होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो आप चाहें तो वो लगा सकते हैं 5 से 6 लीटर, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। करेक्ट आपका टोटल लंग कैपेसिटी कितना होगा, 5.8 लीटर। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को दर्शाता है, मनोविज्ञान किसको दर्शाता है दोस्तों, व्यवहार को। नेक्स्ट है कि पावलाव का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों पावलाव का नाम किससे जुड़ा हुआ है, यहां पे ऑप्शन है कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग की कंडीशन, रिफ्लेक्स लर्निंग की लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है आपका थांडाई दिए हैं, और लर्निंग बाय डूइंग जान डूई दिए हैं, एंड कंडीशनड रिफ्लेक्स लर्निंग आपका दिए हैं पावलोव।
शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। नेक्स्ट है, कानेस्थेटिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो कानेस्थेटिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे है व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण। यहाँ पे शिक्षक सहायक पृष्ठ रेप्रिकॉर्डर कुछ भी नहीं होगा, व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण है। कानेस्थेटिक ज्ञान यानी कानेस्थेटिक सेंस होता है क्या है दोस्तों? यह अपने आप आती है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे हमारा पैर कांच पर पड़ने वाला होता है तो उससे हम चटकी से पहले ही अपने पैर को हटा देते हैं। ये कानेस्थेटिक सेंस के कारण ही होता है। ये हमारे दिनचर्या में बहुत हेल्प करता है दुर्घटनाओं से बचने के लिए। नेक्स्ट, अधिगम के वंशानुगत घटक हैं क्या है दोस्तों? यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक बनावट। जो हमारा शारीरिक बनावट होता है इसमें आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका शारीरिक बनावट हो जाएगा। तो अधिगम के वंशानुगत घटक क्या है? शारीरिक बनावट जो है वंशानुगत घटक है। उसका स्किल, उसका सीखना, ये आपका पर्यावरण का घटक है। ठीक है, नेक्स्ट, आयु के वर्ष महीने और दिन को कहा जाता है? तो दोस्तों मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने के लिए चार प्रकार में बांटा गया है। कालक्रम आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसमें जन्म से लेकर वर्ष महीनों व दिनों तक मापा जाता है, जन्म से लेकर आज तक, इसको कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आयु में के वर्ष महीनों के दिन को कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल एज। इसको कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है, स्कूल तथा मार्कशीट की आयु के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका है एनाटॉमिकल एज, जो हमारे बोन और यानी कि ऑसिफिकेशन ऑफ बोन यानी कि हड्डियों की परिपक्वता, अंगों के पूर्ण विकास से आयु का पता लगाया जाता है। जैसे कि दांतों की गणना करके, स्कैपुला अस्थि की गणना करके, यानी कि एज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका दाहिने हाथ की रेडियस बोन का प्रयोग करके हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है। इसलिए दाहिने हाथ की रेडियस बोन को एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल एज यानी कि शारीरिक क्रियात्मक आयु, जो कोमा यानी कि हार्मोन्स में जो इम्बैलेंस होते हैं आपका उसी के अनुसार से, जैसे स्त्रियों में मासिक धर्म और पुरुषों में ये सब चीज़ों के जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, सारे शरीर में परिवर्तन होते हैं हार्मोन्स के कारण, उसके कारण निकाला जाता है। चौथा होता है मानसिक आयु, जिसका निकालने का सूत्र होता है IQ बराबर MA बटा CA, यानी कि मानसिक आयु गुणे कालक्रम आयु गुणे 100। नेक्स्ट है, सभी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा किसके अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पे IAAF है, IOAA है, AAFI है। तो IAAF जो होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ, आपका IAAF जो होता है ये विश्व एथलेटिक संघ होता है, जो समस्त विश्व में एथलेटिक के स्पर्धाओं को संचालित करती है। IOA जो होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये भारत में खेलों को संचालित करती है। और AAFI जो होता है आपका, ये एथलेटिक खेलों को भारत में संचालित करती है। तो यहाँ पे कोई भी आपका सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को संचालित नहीं करती है, आप इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, डोपिंग परीक्षण प्रक्रिया में किसका समावेशन होता है? तो यहाँ पे डोपिंग में आपका रक्त का प्रतिदर्श लिया जाता है और मूत्र का, दोनों का सैंपल लिया जाता है। जहाँ पे अब रक्त नहीं दिया रहेगा तो ओनली आपका यूरिन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त एंड मूत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो डोपिंग का टेस्ट सबसे पहले कब हुआ था? डोपिंग का टेस्ट सबसे पहले 1960 रोम में हुआ था, जिसमें से डेनमार्क का रोड साइकिलिंग साइकिलिस्ट था जिसका नाम था न्यूड एनमार्क जेंसन। वह स्वर्ण प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया था और वह रोनिकल और एम्फिटामाइन अधिक ले लिया था, जो सहनशीलता को बढ़ाती है। और एक क्वेश्चन आता है कि डोप टेस्ट प्रथम बार कब किया गया? तो 1968 मैक्सिको सिटी में किया गया,
और उसमें स्वीडन की पेंटाथलेट गुनर लिंजेवाल पॉजिटिव पाया गया था। और इसमें से आपको ध्यान में रखना है कि डोपिंग से रिलेटेड विश्व की जो विश्व लेवल पर संस्था है वह वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुआ स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में। इसका मुख्यालय वाडा का है कनाडा मॉन्ट्रियल शहर। वर्तमान अध्यक्ष है विटोल्ड बांका। और भारत में है आपका डोपिंग को नियंत्रण करने वाली नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री किसको दिया गया। तो एथलेटिक में प्रथम पद्मश्री दिया गया मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख जिसके जिसको उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला जिसने एशियन खेल के एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, तो वो है आपकी कमलजीत संधु। इन्होंने 400 मीटर दौड़ में 1970 में थाईलैंड बैंकॉक में 400 मीटर दौड़ को 57.30 सेकेंड में जीता था। ठीक है, तो एशियन गेम में भारत की तरफ से पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है, कमलजीत सिंह संधु। नेक्स्ट है इंट्रामुरल कार्यक्रम के द्वारा छात्रों में किसका निर्माण किया जाता है। इंट्रामुरल यानी कि संस्था के अंतर्गत जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको इंट्रामुरल कहा जाता है। एक्स्ट्रामुरल जो संस्था के बाहर किया जाता है, एक संस्था से दूसरे संस्था में। ठीक है, तो इंट्रामुरल कार्यक्रम द्वारा छात्रों में किसका निर्माण होता है, तो इन्वॉल्वमेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है शिक्षण में किसी विशिष्ट विधि का उपयोग करना किस पर आधारित है। तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन है शिक्षक का कौशल। अगर शिक्षण में किसी विशिष्ट विधि का उपयोग करना है तो यह शिक्षक सोचेगा कि हम लोग किस विधि का उपयोग करें, तो शिक्षक का कौशल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शिक्षण योजना का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों कोई भी शिक्षण योजना आप बना रहे हैं पाठ योजना फिजिकल एजुकेशन में, तो उसके आप आयु और से लिंग देखेंगे कि वो किस आयु का है, लड़की है या लड़का है, दोनों में कैपेसिटी क्या है, और उसके प्रोग्रेशन के भी देखेंगे। ठीक है, वार्मिंग अप भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक का अनुभव नहीं होगा, आप छात्र को केंद्रित बना करके आप पाठ योजना तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहा जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेस्पिरेटरी चेन बोला जाता है, जो हमारा श्वसन क्रिया में कोशिकीय श्वसन में जो हमारा क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है वायवीय श्वसन, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन को होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लेकर के उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक अंदर तक पहुंचाते हैं, आंतरिक झिल्ली तक, आंतरिक कोशिका तक, उसी को एक चैन के माध्यम से पूरा चैन बन जाता है, उसी को रेस्पिरेटरी चैन बोला जाता है। नेक्स्ट इनमें इसमें से कौन शारीरिक शिक्षण के सुपरवाइजर का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें से कौन करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन है संस्था का मजबूत व्यक्ति, संस्था की सबसे लंबी लड़की, की कक्षा का सबसे लंबा लड़का, कक्षा का संस्था का प्रमुख। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का प्रतिनिधित्व जो है संस्था का प्रमुख करेगा। नेक्स्ट एशियन गेम फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो जीडी सोंधी जो है एशियन गेम फेडरेशन के पहले अध्यक्ष थे। जैसा कि दोस्तों जो जैसे ओलंपिक को शुरुआत करने का श्रेय आपका दिया जाता है बैरन पियरेडी कुबर्टिन को, उसी प्रकार एशियन गेम को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है जीडी सोंधी यानी गुरुदत्त सोंधी को। नेक्स्ट है आईओए का पूरा नाम क्या है, तो आईओए का पूरा नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना 1927 में सर दोराबजी टाटा के निर्देशन में हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा,
जिनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है और आईओए की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। नेक्स्ट है साई यानी एनएसएनआईएस संस्था स्थित है। तो साई का एनएसएनआईएस संस्था कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पटियाला में स्थित है। 1961 में यह संस्था की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह आपका ईडन गार्डन स्टेडियम जो होता है जो है वह ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ईडन गार्डन स्टेडियम? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो 2016 आपका 31वां ओलंपिक था जो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था, जिसमें आपको रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था 2016 ओलंपिक, जिसमें आपको कितना भारत ने दो पदक प्राप्त किया था 2016 में, जिसमें से रजत पदक बैडमिंटन में पीवी सिंधु और कांस्य पदक कुश्ती में साक्षी मलिक। जो साक्षी मलिक है ओलंपिक में रेसलिंग में प्रथम महिला है पदक विजेता, और उसमें दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। उसके बाद आपका 2020 जो टोक्यो जापान ओलंपिक है वो 32वां ओलंपिक था, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीता था, 1 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य। 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीता था और रजत पदक मीराबाई चानू, 2 रजत पदक में 1 मीराबाई चानू 49 kg वेटलिफ्टर में एंड रवि कुमार दहिया 57 kg कुश्ती में, और 4 कांस्य पदक में आपका पहला लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में और बजरंग पुनिया 66 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में एंड भारतीय हॉकी टीम। और 2026 यानी कि 33वां ओलंपिक आपका होगा पेरिस फ्रांस में, उसके बाद 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा, 2032 में आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट है भारत में किस खिलाड़ी ने एथेंस ओलंपिक 2004 में एकमात्र पदक जीता था भारत की तरफ से? तो वो थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। ये निशानेबाजी में 2004 में रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट है एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट क्रॉप्स। ये 1948 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है सर्वोच्च शिक्षा का अध्यापक का गुण होता है सभ्य की अच्छा निष्पादक की युवा की स्मार्ट। तो एक सर्वोच्च शिक्षा अध्यापक का गुण होता है अच्छा निष्पादक यानी अच्छा परफॉर्मर होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी महिला खिलाड़ी ने एशियन खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता? तो वो है आपकी कमलजीत सिंह संधु। नेक्स्ट है खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? आप सबको पता है खो खो में जो है 8 क्रॉस लेन होते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 खेलते हैं और 5 आपके स्थानापन्न होते हैं। नेक्स्ट कबड्डी खेल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं? तो इसमें 7 ऑफिशियल्स होते हैं, जिसमें से 2 रेफरी होता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से प्रत्येक टीम में खेलते कितने हैं? तो 6 खेलते हैं, 6 खेलते हैं से 6 आपके स्थानापन्न होते हैं। तो दोस्तों ये था 100 क्वेश्चन का सीरीज आज का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों, एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।